नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एसपीएम मोदी का जाति को लेकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं थे, वो सामान्य वर्ग में पैदा हुए थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी जाति ओबीसी में बदल दी। अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ये तमाम बातें कही। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी का जो जन्म है वो ओबीसी वर्ग में नहीं हुआ था, वे गुजरात की तेली जाति में पैदा हुए थे। इस समुदाय को साल 2000 में बीजेपी ने ओबीसी का टैग दिया था, उनका जन्म सामान्य जाति में हुआ था। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी अपने पूरे परिवार में जातीय जनगणना नहीं होने देंगे, क्योंकि उनका खुद का जन्म ओबीसी में नहीं हुआ, उनका जन्म सामान्य जाति में हुआ है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि मोदी जी संसद में कहते हैं कि ओबीसी को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ओबीसी में पैदा नहीं हुए थे, मोदी जी तेली कास्ट में पैदा हुए थे। आप लोगों को भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया और ये पूरी दुनिया को झूठ बोल रहे हैं कि मैं ओबीसी में पैदा हुआ था। मोदी जी कभी भी कोई ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का हाथ नहीं पकड़ते। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैंने जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय की बात की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में सिर्फ दो जातियां हैं, वो भी अमीर और गरीब की। अगर दो जातियां हैं तो आप क्या हैं? गरीब तो आप हैं नहीं, आप करोड़ों का सूट पहनते हैं, दिन में कई बार कपड़े बदलते हैं, फिर झूठ बोलते हैं कि मैं ओबीसी वर्ग का आदमी हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।